हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोरगढ़ वाले बंदे। आज फिर से नया संडे, फिर से नई छुट्टी और फिर से लेके चल रहे हैं आपको एक नई जगह पर जिसका नाम है रामनगर। आज हम आपको रामनगर की कुछ किले दिखाएंगे और साथ ही साथ में एक वाटरफॉल है, जम्मू का मशहूर वाटरफॉल है वहाँ, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाहे उसमें पानी हो या ना हो, वो हम उसकी गारंटी नहीं देते, क्योंकि वो वर्षा ऋतु में ही वाटरफॉल एक्टिव रहता है और बाकी वाले दिनों में जब पानी नहीं मिलता तो वाटरफॉल एक महत्तर पहाड़ बनकर रह जाता है। तो चलें, बने रहें वीडियो के एंड तक, हम आपको लेकर चलते हैं अपनी राइड पर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं किले के पास। अब किले की हिस्ट्री कुछ भैया जी से जानेंगे, क्या है इस किले की कोई पुरानी हिस्ट्री। हाँ जी भैया, जो राजा थे ना रामनगर के, राजा राम सिंह, जो उनकी रानी थी, यहाँ उन्होंने समाधि ली थी जी। मतलब जब जिंदी थी उन्हें जिंदी जिस टाइम जिंदी जिंदे मैंने सुहागनी मांग ली थी, समाधि सदियों की थी। जो ऊपर है वो है और ऐसी स्मेल है राजा का, जो ऊपर है जी रानी की समाधि है। ठीक, समाधि ली है। तो ये किले में जो राजा राम सिंह की जो रानी थी उन्होंने वहाँ पे समाधि ली, ऊपर शीश महल है, वहाँ भी लेके जाएंगे आपको। बने रहे वीडियो के एंड तक और एंजॉय करें हमारे महल के व्यू को। फाइनली अब आपको लेके जा रहे हैं महल के अंदर और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे गेट बना रहा अंदर जाने के लिए। वाह, अंदर देखिए दरवाजे ही दरवाजे हैं, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और अभी पहुँच के हम किले के अंदर, और ये किले के अंदर का व्यू है। कहते हैं जो रामनगर के राजा थे राम सिंह, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने वहाँ पे ये जो मंदिर बनाया हुआ है, इस मंदिर में उन्होंने सती कर ली थी, अपने आप को जिंदा अग्नि में जला दिया था। तो यहाँ पर उनकी समाधि आज भी बनी हुई है, उनकी याद काफ़ी दूर दूर से लोग देखने को आते हैं उनकी समाधि को। और ये जो के आसपास का व्यू है, बहुत अच्छा किला है, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है अभी तक, आज तक। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा किला ये मिलेगा, जहाँ पे बैठ के आप आराम से खाना सा खा सकते हैं, नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। और इतने अच्छे पंक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ची ची। जी हाँ, जहाँ पर मैक्सिमम मेरे को बहुत ही ज़्यादा तोते दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या खाने आते हैं यहाँ पे। खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं तोते।
से किले के ऊपर जाया जाता था, पर देखिए यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। जितने भी गेट है ऊपर साइड से कहीं से भी चढ़ने के लिए वो बंद है। तो गाइस ये है रामनगर का महल, रामनगर का महान किला और उसके किले के अंदर का व्यू है। ये एक महल राजा राम सिंह ने बड़ी अच्छे से बनाया था और हम चाहते थे कि आपको इस किले के ऊपर जाके कुछ व्यू दिखाएं, लेकिन किला हर तरफ से बंद है, हर तरफ ताले लगे हुए हैं, तो हम इसके ऊपर का व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं शीश महल की ओर, जो भी इस किले का एक दूसरा पार्ट है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। ज़िला उधमपुर के तहसील रामनगर में बना हुआ ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुराना किला है, जिसका निर्माण जो है राजा सुचेत सिंह ने करवाया था। इस ये जो महल है ये तीन भागों में बटा हुआ है। शीश महल, यहाँ पर जो राजा सुचेत सिंह की धर्मपत्नी थी जिन्होंने वहाँ पे समाधि ली, वो महल अलग से है। और एक जो राजा सुचेत सिंह ने जो अपने सेना के लिए किला बनाया था वो अलग से बनाया था। इस किले के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ पुराने ज़माने के जो हथियार जो राजा महाराजा यूज़ करते थे वो, और साथ ही साथ में यहाँ पे म्यूज़ियम है जिसमें आपको बताया गया कि जो राजा सुचेत सिंह थे कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे वो लड़ाई करते थे। बहुत ही वीर राजा थे, बहुत ही महान राजा हुए हैं राजा सुचेत सिंह, और जो उनके भतीजे थे राजा राम सिंह, फिर बाद में उन्होंने इस गद्दी पर बैठे और इन सब महलों की देख रेख वो करते थे। और अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं ये इस महल की सबसे ऊंची चोटी है और वहाँ का व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं राजा के शीश महल में और आपको दिखाएंगे जो पुराने ज़माने का हथियार, ये युद्ध में काम आते थे जैसे केसरी मूवी में। तो हाँ गाइस, ये केसरी मूवी में इसी तोप का इस्तेमाल किया गया है। लेके जा रहे हैं अब किले के अंदर, देखिए किले के अंदर की हिस्ट्री और किले के अंदर के व्यू। दोस्त जो आया था इधर से उठाया इसको और इधर ही छोड़ दिया कि बाद में गुम ना हो जाए, तो ठीक है भाई। हेलो गाइस, तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, आज का जो महल हमने आपको दिखाया, आज का जगह हमने आपको दिखाया, आज के जो व्यू हमने आपको दिखाए वो कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। गाइस जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, हम बन के बहुत ही करीब है। जिस दिन बन के हो जाएंगे गाइस आपके लिए हम रखेंगे पार्टी। तो बाय बाय, पीस आउट।